हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की वीडियो में रीजनिंग के 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। देखिए, लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ RPF, SSC, GD, बिहार पुलिस, हरियाणा SSC, यूपी पुलिस सभी एग्जाम के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। तो डेली एक क्वेश्चन मैं वेन डायग्राम से जरूर लेके आता हूँ, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको नया एक क्वेश्चन सीखने को मिले। इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख नीचे दी गई सूचनाओं को सही निरूपित करता है? सागर, मछली, नाव। अगर मैं बात करूं सागर, मछली, नाव की, तो सबसे पहले मेरा एक पॉइंट रहता है कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो देखिए, सागर, मछली और नाव, सागर में आपकी मछली भी होती है और नाव भी होती है, तो यहाँ पे तीनों रिलेट करते हैं। एक वेन डायग्राम अगर आपको तीनों को अलग शो करने वाला होगा तो उसको कट कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट फिर हमारा स्टेप चलता है। फिर अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूँ तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीज़ों को शो करता है। फिर बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारे के सारे मछली और सारे के सारे नाव सागर होते हैं, तो कुछ इस तरीके से, तो सारी की सारी मछली आपकी सागर में नहीं होती और सारी की सारी नाव भी आपकी सागर में नहीं होती, ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि ये कुछ मछली नाव और कुछ नाव आपकी मछली हो जाएगी, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मछली एक अलग है, नाव एक अलग है, बट दोनों कुछ कुछ करके सागर में रहते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि सागर, अगर मैं को बोल दूं तो सागर में कुछ मछलियां होती हैं और कुछ नाव होती हैं, तो सभी के सभी नाव भी सागर में नहीं होती और सभी के सभी मछली भी सागर में नहीं होती है, तो यहां पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और हम एक चीज और बोल सकते हैं, देखिए सागर मछली और नाव दो अलग अलग चीजें हैं, कभी वैसे तो नहीं कि एक कुछ सागर सॉरी कुछ मछली नाव और कुछ नाव मछली हो सकती है, बट यहाँ पे ये दोनों सागर में मिल सकती हैं, ठीक है ना, तो हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चांसेस हो सकते थे इसके इसके, बट ये क्यों नहीं होंगे मैंने आपको दोनों समझा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से दसवां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूं और उस पर लिख दूं उल्टी तरफ से A B C D E, इस तरीके से उल्टा मैं लिख दूं, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है दाईं ओर से, तो दसवां अक्षर कौन सा होगा? तो आपका दाईं ओर कौन सा होगा, यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये बाएं होगा, ये दाएं होगा, तो दाईं ओर से अगर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो दसवां अक्षर काउंट कर लीजिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दसवें नंबर पे आता क्या है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दसवें नंबर पे आपका क्या आता है, जे आता है, ठीक है ना, जे कौन से नंबर पे आता है, दसवें पे, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है, अदरवाइज आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दसवें अक्षर पे आता कौन सा है, क्योंकि आप इसको बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि उल्टा करके लिखिए, तो हम उल्टा करके लिखेंगे और दाईं साइड से पूछा जा रहा है, अगर बाईं साइड से पूछा जाता फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता, बट दाईं साइड से पूछा जा रहा है और यहाँ पे दाईं साइड से हमने लिखा है ABCD, उल्टा करके लिखा है, तो आपका राइट आंसर जे हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अल्फाबेट के जो नंबर्स होते हैं ना, ये आपके याद होने जरूरी हैं। अगर ये याद है तो रीजनिंग का बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे, अगर ये याद नहीं है तो कुछ बहुत ही सिंपल से जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में से चयन कर प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला पूरी करें। यहाँ पे प्रश्न आकृति आपकी कौन सी है और उत्तर आकृति कौन सी है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले एक इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करिए, देन ये आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इससे इसमें क्या देखा आपने, यहाँ पे दो पत्तियाँ थी, यहाँ पे तीन हो गई हैं, ठीक है, और इसका जो है एंगल भी चेंज हुआ है, ये इस डायरेक्शन में 45 डिग्री घूम गया है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हुआ है, ये तीन पत्ती हो गई, बाकी जो ये नीचे आप बोल सकते हैं कि एक फूल टाइप या जो भी, इसमें भी आपकी डंडियाँ कम हो रही है, ठीक है।
तो यही बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। तो यहाँ पे कितनी, चार। तो आपको एक ऐसा पेड़ देखना है जिसमें पांच पत्ती हो, तो यहाँ पे पांच पत्ती वाला कौन कितने हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों 45 डिग्री पे तो घूम रखे हैं, क्योंकि 45 डिग्री पे अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा पेड़, तो ये भी सीधा खड़ा है ये भी सीधा खड़ा है, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना। बट अब आपको एक चीज चेक करनी है, इसके नीचे वाला ये पोर्शन, यहाँ पे क्या है कि इसमें था आपका ये घट गया था इससे घट के, ठीक है। अब इससे भी घटा के हमें लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या है ये वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, तो इसको तो हम नहीं कर सकते, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक ऑप्शन को चेक करते हुए अगर आप करेंगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं आ सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये वाली लुप्त संख्या बतानी है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन को ट्राई करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इन दो जो ये दे रखे हैं ना ऑलरेडी, मतलब हिंट के तौर पे दे रखे हैं, नेक्स्ट आपको बताना है, तो इनमें आप देखिए कि क्या रिलेशन है और किस तरीके से ये बने हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए, ये दो का स्क्वायर है, ये तीन का स्क्वायर है, ये चार का स्क्वायर है, यानी कि दो तीन चार। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, फिर ये दो का स्क्वायर है, ये तीन का स्क्वायर है, तो एक दो तीन, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पे फिर अगर मैं बात करूँ, ये किसका तीन का स्क्वायर है, ये चार का स्क्वायर है, तो यहाँ पे किसका आना चाहिए, पाँच का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अब ये मैं ना जब भी क्वेश्चंस कलेक्ट करता हूँ तो ये अलग अलग एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर फोकस रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी है अलग अलग एग्जाम के, वो सारे मैं आपको कवर करा दूँ। इससे एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और खुद आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर थोड़े दिन में मैं आपकी पूरी अलग से क्लास स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि अलग अलग चैप्टर वाइज, तो अभी तो ये आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि दो तीन एग्जाम बिल्कुल नियर है, तो उनकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपकी तो कंटिन्यूटी में है ही। अगर आप ऐसे भी रीजनिंग की वीडियो डेली देखते हैं तो आपका ये समझिए 80% तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एक दो जो चैप्टर है जिनको, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, उसकी मैं क्वेश्चंस नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि पूछा भी बहुत कम जाता है और वो थोड़ा लेंथी होता है, तो उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जो एक दो चैप्टर आपका बचा हुआ है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको ये नंबर निकालना होता है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये नंबर निकालना है तो कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशन से ही ये नंबर निकलेगा, और ये नंबर जो लिखे हैं यहाँ पे, ये इन दोनों के रिलेशन से ही बन के निकला होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही निकला होगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाया जाए कि ये नंबर आपका मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे प्लस माइनस करके, तो प्लस माइनस करके नहीं आ रहा है, स्क्वायर क्यूब करके ये चीज़ आप करके देख लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेंगे, इस तरीके से आप कई तरीके से देखेंगे, आप बिल्कुल सही है, आपकी यही स्टेप होते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी इन क्वेश्चन को करते टाइम कन्फ्यूज मत रहिए, जो आपने क्लियर कर दिया या तो आप ऐसे कर लिया करें पेपर पे कि प्लस मैंने कर लिया, माइनस मैंने कर लिया, डिवाइड मैंने कर लिया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो आप एक सिस्टमेटिक वे में एंड ऑफ द क्वेश्चन कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। अगर आप लगे रहेंगे कभी प्लस कभी माइनस ये वो, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ऐसा नहीं आपको करना है। इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, आपने ट्राई कर लिया होगा, ऐसा करता हूँ कि मैं अभी तक, इसमें चल रहा है आप क्या करेंगे, 20 में से माइनस 9 को करेंगे, कितना आएगा 11, 11 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 121, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 24 में से माइनस करेंगे 11, कितना आएगा आपका 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, सिंपल है। 32 में से 17 को माइनस करेंगे कितना आएगा 15, 15 का स्क्वायर करिए तो कितना आता है आपका 225, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से प्रैक्टिस डेली आपकी चलती रहेगी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ए डी सी ई एच जी, मैंने पहले भी बताया था कि आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स याद होने चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। आपको पता है ए आपका पहले नंबर पे आता है, ई आपका कौन से पे आता है, पांचवे पे आता है, तो ए से पांचवे पे गया प्लस 4 हुआ है, ठीक है। फिर आपका जो आई आता है वो 9 नंबर पे आता है, तो 5 में प्लस 4 करेंगे फिर 9 बन जाएगा, फिर आई से में अगर हम प्लस 4 कर दें, यानी कि 9 में प्लस 4 कर दें, तो कितना हो जाएगा 13, और 13 पे आपका आता है
तो आपको पहला मिल गया एम सभी ऑप्शन में है, ठीक है, तो आपको अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन सा आपका राइट रहेगा। फिर हम आपका डी कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, प्लस 4 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 पे आपका एच आता है, ठीक है। फिर एच आपका 8 पे आता है, प्लस 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 पे आपका एल आता है, एल आपका 12 पे आता है, प्लस 4 करेंगे 16, तो इसमें 16 पे आपका क्या आता है, पी आता है। यानी कि आपका ये दो ऑप्शन तो कट गए, अब इसमें इसमें बचा है, ठीक है। यहाँ पे आप फिर दोबारा से प्लस करेंगे 4, फिर जी आ जाएगा, जी में प्लस 4 करेंगे के, के आपका आता है 11 नंबर पे, और 11 में 4 प्लस करेंगे 15 हो जाएगा, 15 पे आपका क्या आता है, ओ आता है, ठीक है, तो ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एम पी ओ इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी, और इस तरीके के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप इजिली कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं और ये बोर्ड मास का जो रूल होता है उससे ही आपको सोल्व करने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। हैज का मतलब आपका घटाव है, एंड का मतलब आपका भाग है, एट द रेट का मतलब जोड़ है, परसेंटेज का मतलब आपका गुणा है। तो 217 एंड 7 हैज 3 एट द रेट 2 परसेंटेज 7 का मान होगा, तो ये आपको बताना है। तो सिंपल है, जहाँ जहाँ पे बोला गया एंड यहाँ पे लिखा है, क्या बोला है, भाग, तो यहाँ पे भाग रख देंगे, हैज का मतलब घटाव तो इसको यहाँ माइनस रख देंगे, एट द रेट का मतलब क्या है, जोड़, तो यहाँ पे प्लस रख देंगे, परसेंटेज का गुणा है तो यहाँ पे गुणा रख देंगे। ये आपने इतना काम कर लिया। अब आपको ये इक्वेशन जो बन के आई है ये तो आप सभी कर लेंगे, इसको आपको जो करना है वो बोर्ड मास के रूल से ही करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, मतलब ये इक्वेशन हो गई है तैयार, इतना तो हमने कर लिया था। अब आप क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए, फिर उसके बाद ऑफ वाली मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड। अब यहाँ पे ब्रैकेट कहीं नहीं है, ऑफ वाली मल्टीप्लाई कहीं नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 217 को हम सबसे पहले 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा आपका, 31 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद -3, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 × 2 = 14, यहाँ पे 14 लिख लेंगे। उसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई हो गई है, उसके बाद आपका ऐड आता है, तो 31 प्लस 14 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, और 45 में से 3 माइनस करेंगे तो 42 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही आपसे एग्जाम में पूछा था कि आपका राइट आंसर क्या, मतलब कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो 42 इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लुप्त संख्या का। इसमें दिया गया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए एक बार ट्राई करके क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रही है, और हाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, नीचे वाली सीरीज जो आपको ये निकालनी भी आपको यही है, और ये ऊपर वाले नंबरों से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर आपके नंबर लिखे ना, इनके कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन से नीचे वाला बन रहा होगा, ठीक है। मतलब 99% यही चांसेस होते हैं कि यहीं से आपका बनेगा, क्योंकि ये वाली सीरीज इस तरीके से नहीं चल सकती। अब तीन ये इनका या प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इनके ही कॉम्बिनेशन से ये वाला नंबर निकल के आ रहा होगा, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 14, तो इस तरीके से चल रहा है प्लस, और इसकी फिर मल्टीप्लाई चल रही है 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 × 3 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब समझ में आ गई बात, तो 6 × 4 = 10, 10 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 30, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये सीरीज मैंने आपको पहले भी करनी सिखा रखी है, इसको काउंट कर लीजिए, ये पूरी सीरीज लिखी है, इसमें जो खाली स्थान है उनको भी काउंट करिए और जो लिखे हुए हैं उनको भी काउंट करिए। तो कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने हैं, 20 हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4×5 = 20, यानी कि 4-4 के पेयर बन सकते हैं। मतलब ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं, 99% चांसेस ये होते हैं 20 में, 16 में, 12 में, 12 में तो फिर भी 3-3 के पेयर बनने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वो छोटी सीरीज हो गई आपकी, बट 16 और 20 में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि 4-4 के ही पेयर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का भी पेयर बन सकता है, 5×20, बट पहले हम 4 के ही ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो 4-4 के मैं पेयर बना लेता हूँ, जैसे ये बन गया 2×2 = 4, 2 और 2×4 ये बन गया, 2 × 2 = 4 आपका ये बन गया, 2 × 2 = 4 ये बन गया, 2 × 2 = 4। अगर देखिए मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस वाले को देखिए एक बार,
ठीक है, अगर आप इसको देखते ही समझ जाते हैं बी बी सी ए बी, तो यहाँ पे क्या लिखा है बी सी ए बी, इसका मतलब भाई पूरी की पूरी सीरीज हमको तो मिल गई। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, ठीक है, बी सी ए बी और बी सी ए बी, तो इसका मतलब भाई क्वेश्चन ही हो गया पूरा। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ आपको कि अगर आप इसको थोड़ा सा पेयर बना के करेंगे तो कई बार क्या होता है आपको आंसर ही मिल जाता है पूरा का पूरे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे से आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर लेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत बहुत सारे बच्चे एक एक घंटे तक मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि किसी कोड में 329 का अर्थ गॉड इज लव, 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल, तो गॉड का कोड क्या है ये आपको बताना है। देखिए मैं इसको यहीं पे कर सकता हूँ बिल्कुल सीधा सीधा, यहाँ पे क्या लिखा है 329 गॉड इज लव, फिर यहाँ पे लिखा है 927 लव इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें गॉड इज है, ठीक है, और नीचे वाले में क्या है लव इज है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी सॉरी मैंने एक चीज मिस कर दी, यहाँ पे गॉड इज नहीं इज लव है और यहाँ पे इज ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो मुझे किसका चाहिए, गॉड का चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए वहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा था तो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे है जैसे गॉड इज लव, ये लिखा है 329 और लव इज ब्यूटीफुल, आपको पता चल गया कि ऊपर और नीचे में क्या क्या सेम है। यहाँ पे अगर मैं देखूं इज लव और लव इज दोनों सेम है, यहाँ पे ऊपर भी दोनों चीजें हमें सेम मिल गई है, 2 और 9 और 902, ये यहाँ पे इज लव लिखा है, यहाँ पे लव इज लिखा है, तो 2, 9 और 9, 2, यानी कि जो 2 है वो लव इज के लिए है और 9 किसके लव के लिए है, और यहाँ पे 9 आपका लव हो जाएगा, 2 यहाँ पे इज हो जाएगा। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमें क्वेश्चन करने का एक तरीका है कि हमारा जो दो नंबर है उनका तो कोड मिल गया, हमें किसका चाहिए, गॉड का। तो ऊपर क्या बचा है, 3 और यहाँ पे मतलब गॉड बचा है और 3 बचा है, यानी कि गॉड के लिए 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाँ यहाँ पे इसके लिए हो सकता है आपका कि 3 आपका गॉड के लिए हो, ठीक है, और 7 आपका ब्यूटीफुल के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा, इज और लव में यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि ये इज 2 के लिए ही होगा या फिर 2 के लिए लव होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे लिख दिया गया, इसका मतलब आंसर नहीं मिल गया। बट हमें किसके लिए चाहिए था, हमें गॉड के लिए, गॉड का आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में थे इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे सॉरी टॉपिक स्टडी, वहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारी PDF मिल जाती है, डेली मोटिवेशनल कोटेशन मिल जाती है और बहुत सारे आपको डेली न्यूज़पेपर और बहुत सारी PDFs आपको वहाँ पे लगातार मिलती रहती है। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा PDF लेने के लिए भी और बहुत सारे अपडेट के लिए भी। और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा आगे भी सारी वीडियोज़ का अपडेट लेने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।